सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। दंतेवाड़ा में 4 विकास खंड हैं, जिनमें कटे कल्याण ऐसा विकास खंड है जहां विकास की गति धीमी है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों में एक उम्मीद जगी और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी, जिनमें कॉलेज, लाइब्रेरी, जिम, खेल मैदान आदि प्रमुख मांगे थी, जिस पर दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदन वार्ड ने पत्रकारों को बताया कि कटे कल्याण का विकास जिले की पहली प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य को लेकर लगातार बैठकों का दौरा चल रहा है। विकास हमारी महती जो है सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसी के लिए कटे कल्याण में जैसे कि हम लोग लगातार यहाँ पर दौरा भी कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर की बैठकें भी कर रहे हैं और जहाँ पर जो हम लोगों ने जो गैप आइडेंटिफाई किया है उसमें एक जो कॉलेज का निर्माण था, सब हेल्थ सेंटर का निर्माण था, आश्रम छात्रावास का निर्माण था, वो अब जो है अपने प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो है ऑडिटोरियम की एक मांग थी, उसके साथ जिम और लाइब्रेरी की मांग थी, प्लेग्राउंड की मांग थी और यात्री प्रतीक्षालय को बेहतर करने के लिए, बस स्टैंड को बेहतर करने की मांग थी। दंतेवाड़ा की कृषि विभाग में नक्सली पीड़ित के बेटे राजेश कड़ियाम को विधायक महेंद्र कर्मा और जिला पंचायत सदस्य ने 13,88,000 की लागत का ट्रैक्टर, ट्रॉली और कई सामान दिए हैं। 16 साल पहले विधायक के गांव के पास के एक गांव मुंडेर में नक्सलियों ने कड़ियाम को के पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनकी बीवी और 4 नाबालिग बच्चे बड़ी मुश्किल से खेती किसानी कर अपना जीवन चला रहे हैं। सुखमन कड़ियाम के बेटे राजेश कड़ियाम ने कलेक्टर जन दर्शन में उपस्थित होकर ट्रैक्टर एवं सहायक यंत्रों की मांग की है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने विनीत नंदन वार ने DMF फंड से 13,88,000 की राशि स्वीकृत कर दी। लगभग 16 साल पहले नक्सली द्वारा एक कैंप में हमला कर उनकी हत्या की गई है और मेरा पालन पोषण मेरी मम्मी के द्वारा हुआ और मेरे 4 भाई लोग हैं, छोटे छोटे थे हम लोग उस समय। और साथ में मैं एक आवेदन किया था कलेक्टर साहब के पास, तो वहां से फिर कृषि ऑफिस में दिया गया और यहां पे कृषि ऑफिस के थ्रू और साथ में विधायक मैडम के थ्रू ये जो आज दिख रहा है आपके सामने, ये हमारे गोरेला पेंड्रा के पंचायत गोरेला में जहां कार्यालय के काम के लिए गए सचिव पूरन सिंह की सरपंच ने पिटाई कर दी। मामले को गंभीरता को देखते हुए CEO संजय शर्मा ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। पूरा मामला वर्ष 2020 में हुए रनिंग वाटर के भुगतान को लेकर है। लेटर दिया गया है, अगर कार्यवाही नहीं होती है तो नेक्स्ट बैठक है सचिवों का, उसमें जो निर्णय लेंगे उसमें आगे कार्रवाई करें। सारबारा गांव का सचिव है, इसने एक थाने आकर के FIR दर्ज कराया था कि सारबारा गांव का एक उप सरपंच है याकूब खान, उसके द्वारा इसको पुराने कार्य के भुगतान क्यों नहीं किए, इस संबंध में वाद विवाद करते हुए मारपीट किया था, जिस पर सचिव की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 3 के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थैंक यू सर। मारपीट की गई है या बहस हुई है, पर उन दोनों के बीच में आपसी तूतू में जरूर हुई है। मारपीट का अभी मेरी वेरीफाई नहीं हो पाया है कि मारपीट की गई है, पर यहाँ कैंपस में उनके बीच में आपस में झगड़ा जरूर हुआ है, ये घटना सत्य है। कोरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बैकुंठपुर के पटना थाने से चोरों को 95,000 रुपए के कबाड़ के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने ये कबाड़ कॉलोनी में बंद पड़े खादान से जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी चोरों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। CM भूपेश बघेल बसना विधानसभा के दौरे पर महासमुंद के गोपालपुर और पिडिंदा पहुंचे।
सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया और कई अहम फैसले भी लिए। तो वही भूपेश बघेल ने बसना विधानसभा में 64 करोड़ 13 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। मनेंद्रगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई। मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में भाजपा ने जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो वहीं मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 12 में बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क पर मिला। इस बात की जानकारी मिलने पर भाजपा पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि जिला मुख्यालय में रैन बसेरे का संचालन नहीं हो रहा, जिसके चलते गरीबों को ठंड से भारी परेशानी हो रही है। मनेंद्रगढ़ में न्यायालय के बाहर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, जिसमें पत्नी ने अपने पति का कॉलर पकड़ लिया। बता दें कि पत्नी पति से पालन पोषण के लिए खर्चा मांग रही थी, जिसको लेकर पत्नी अपने पति से भिड़ गई। न्यायालय परिसर के बाहर ये ड्रामा लंबे समय तक चलता रहा। तो वहीं पति ने मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी है। सरगुजा में सीतापुर के क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत विधायक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसके निराकरण के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत होने पर उन्होंने एसपी भावना गुप्ता पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनसे ये बयान गलती से निकल गया। उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। बता दें कि एसपी ने कहा था कि महिला की मौत भुखमरी की वजह से हुई है। मंत्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरगुजा में भुखमरी से मौत हुई है क्योंकि हमारे द्वारा खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं सरगुजा जिले के खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी को सस्पेंड कर उन्होंने बताया कि अधिकारी के द्वारा लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। पिछले समय से देखा जा रहा था कि हम दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी नदारद रहते थे और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे, जिससे जनता में आक्रोश था। लोग जगह जगह शिकायत कर रहे थे, इसलिए उनको निलंबित किया गया। क्या लगता है सर, मॉनिटरिंग अधिकारियों पर सही तरीके से नहीं हो पा रही थी क्या? यही कारण है कि निलंबित हो गए हैं और गड़बड़ी भी लगातार हो रही है। गड़बड़ी की बात नहीं है, अगर विभाग का मंत्री दौरा कर रहा है जी और विभागीय अधिकारी नदारद रहेंगे। खबर सकती से है, जहां के शासकीय वेदराम महाविद्यालय माल खरोदा में नेक मूल्यांकन की तैयारियों के अवलोकन और मार्गदर्शन के लिए एक दिवसीय मॉक टीम विजिट की गई, जिसके बाद विद्यार्थी और लाभ और अभिभावकों ने बातचीत की और मॉक टीम द्वारा अशैक्षणिक कर्मचारियों से वार्तालाप के साथ महाविद्यालय के विभागीय दस्तावेजों का अवलोकन भी किया। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।